कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगाए गए दो दिन के साप्ताहिक बंदी के तहत शनिवार को महानगर की सभी दुकानें बंद रही, जिसमें हनुमान मंदिर रोड, मुंशी प्रेमचंद पार्क रोड, बेतिहाता, जिला पंचायत रोड, जिला अस्पताल रोड तथा गोलघर सहित अन्य क्षेत्रों में दुकानें बंद रही। इसके अलावा प्रमुख चौराहों पर सन्नाटा देखने को मिला, जिसके संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को लागू किया गया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी और अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे लोगों का चालान भी किया जाएगा। SPCT ने कहा कि जो लोग बेवजह दुकान खोल रहे हैं उनके ऊपर 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, इसका देखिए अनुपालन कराया जा रहा है। वीकेंड पे आंशिक कर्फ्यू है, इसके अतिरिक्त रात्रि में भी आंशिक कर्फ्यू 10 बजे के बाद लागू रहता है। इसके लिए अलग अलग बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं, CO SHO चौकी प्रभारी और सारे सब इंस्पेक्टर्स को लगाया गया है। इस पर वो जागरूकता भी ला रहे हैं लोगों में, और अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें सीजर भी हो रही है, वाहनों का चालान भी हो रहा है, और इसके अतिरिक्त अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलने का प्रयत्न कर रहा है जिस आवश्यक वस्तु की नहीं है, उसके विरुद्ध 188 IPC और महामारी अधिनियम की जो धाराएं हैं उसमें हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं।